Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. Indel has told us there were at least 7. Okay, I already see one. Give him. Okay. They're the same picture. हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो शायद अभी तक आपने खबर सुन ही ली होगी कि हमारे दोस्त बाबा का सब लोकतंत्र का यूट्यूब ने दोनों के दोनों चैनल्स परमानेंटली डिलीट कर दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पहली बार भी नहीं है कि बाबा को इस तरह से टारगेट किया गया है। सब लोकतंत्र को हाल में ही दो स्ट्राइक्स दी गई हैं यूट्यूब के द्वारा। भाई यही तो खूबसूरती है इंडिया के और यूट्यूब के सेकुलरिज्म की कि आप अगर मोदी को फैशिस्ट बोलते हैं, इंडिया को एक फैशिस्ट देश बोलते हैं, तो यूट्यूब आपको उल्टा प्रमोट करता है। लेकिन आप अगर उस सेकुलरिज्म से कभी कुछ सवाल पूछ लेते हैं तो यूट्यूब आपका चैनल परमानेंटली डिलीट कर देता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, बुरी न्यूज है लेकिन अच्छी न्यूज भी है कि सब लोकतंत्र ने गिव अप नहीं किया है। उन्होंने एक नया चैनल भी बनाया है। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, तो प्लीज इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, बाबा के चैनल का लिंक क्लिक कीजिए, उनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और उनको अगले साल तक जल्दी से जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए। तो आज मैं यहाँ आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि जो सब लोकतंत्र के साथ हुआ है ये कोई यूनिक सिचुएशन नहीं है, ना ही कोई नई सिचुएशन है, लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। यूट्यूब इस तरह से अगर किसी नॉन लेफ्ट यूट्यूबर का पूरा चैनल ही परमानेंटली डिलीट कर देता है तो वो उसकी लाइफ के साथ, उसके पैसे कमाने की एबिलिटी के साथ, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और यूट्यूब का अगर हम थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें ना तो उससे हमको काफी क्लियरली पता चल जाता है कि जो सब लोकतंत्र के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और यूट्यूबर्स के एग्जाम्पल्स जिनको यूट्यूब के सुप्रीम लीडर ने इसी तरह से टारगेट किया है। पहला एग्जाम्पल तो यार मेरा ही है। मेरे को ही अभी कुछ समय पहले YouTube से एक स्ट्राइक मिला था और मेरा पूरा का पूरा वीडियो डिलीट कर दिया गया था। वो वीडियो जो मैंने सिर्फ एल्विश यादव के ध्रुव राठी के वीडियो पर रिएक्ट करते हुए बनाया था। उसके ऊपर से एल्विश यादव को भी उस समय पर स्ट्राइक मिला था और उस समय पर उसका वीडियो डिलीट कर दिया था यूट्यूब ने। उसके अलावा अजीत भारती का जो डो पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल है, उन्होंने जो नरसिंहानंद सरस्वती के साथ इंटरव्यू वाला वीडियो बनाया था उस वीडियो को भी यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था। सिर्फ न्यूज एक और पोर्टल है जिनके वीडियो को YouTube ने डिलीट किया था और उनके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया था। इसी तरह से नितिन शुक्ला एक और यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर है, उनके भी वीडियोस YouTube डिलीट कर चुका है। और ये तो सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स हैं, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपको नॉन लेफ्ट कंटेंट क्रिएटर्स के जिनके वीडियोस YouTube ने डिलीट किए हैं, जिनके अकाउंट उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किए हैं, जिनके अकाउंट को उन्होंने इस तरह से उल्टे सीधे स्ट्राइक्स दिए हैं। और किस तरह से ये स्ट्राइक्स लगाए जाते हैं, क्यों ये वीडियो डिलीट किए जाते हैं, किस तरह से अपने रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट को YouTube इंटरप्रेट करता है, ये तो भैया दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। उसी तरह कि भाई किस तरह से एक अकेले संजय दत्त ने एक चाकू लेके भुज मूवी में पूरे की पूरी पाकिस्तानी आर्मी को साफ कर दिया। और आयरनी इस पूरे सिचुएशन की आप ये देखिए भैया कि इतना गंद मचाने के बाद YouTube की जो सीईओ है उसको एक ऑर्गेनाइजेशन ने फ्री स्पीच अवार्ड दिया है। और इस अवार्ड को एक्सेप्ट करते समय माताजी बोल रही थी कि भाई किस तरह से YouTube अप्रिशिएट करता है अलग अलग व्यू पॉइंट्स को, अलग अलग ओपिनियंस को। अरे मैडम बस कीजिए, आयरनी कसम से खुदकुशी कर लेगी। कट जाऊंगा, फट जाऊंगा, मर जाऊंगा, सुसाइड। और प्रॉब्लम देखिए सिर्फ YouTube के साथ नहीं है, प्रॉब्लम पूरे के पूरे बिग टेक कंपनीज के साथ है जिनमें ज्यादातर एम्प्लॉइज जो हैं वो लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट ज्यादातर इनको कंट्रोल करते हैं। आप देखिए कि कैसे अलग अलग बिग टेक कंपनीज ने नॉन लेफ्ट कंटेंट क्रिएटर्स को अटैक किया है। विकिपीडिया का एग्जाम्पल देखिए। विकिपीडिया ने ऑप इंडिया, TFI पोस्ट और स्वराज्य मैग जो तीनों नॉन लेफ्ट पब्लिकेशंस हैं उन तीनों को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। उसके ऊपर से कुछ नॉन लेफ्ट जर्नलिस्ट ने तो ये भी आरोप लगाया है कि विकिपीडिया ने उनको अपने प्लेटफॉर्म पर एंट्री करने से या चेंजेस करने से बैन किया हुआ है। ट्विटर पे भी देख लीजिए क्या गंद मचा हुआ है। ट्विटर पे भी हमने देखा है कि Team7 जैसे जो अकाउंट्स हैं वो किस तरह से नॉन लेफ्ट अकाउंट्स को टारगेट करके मास रिपोर्ट करके डिलीट करवाने की कोशिश करते सकते हैं। कई अकाउंट्स ने खुलकर कहा है कि टीम 7 ने मुझे टारगेट किया है और ट्विटर इस तरह की टारगेटेड हरासमेंट, टारगेटेड मास रिपोर्टिंग के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। ट्विटर उल्टा खुल्लम खुल्ला के फैक्ट चेकर जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता है और नॉन लेफ्ट अकाउंट्स के ट्विटर पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग देता है। ये बात कभी मैं मत भूलिएगा कि आज ट्विटर पर तालिबान अलाउड है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अलाउड नहीं है। किसी ने बड़ा अच्छा एक जोक मारा था कि भैया डोनाल्ड ट्रंप को तो तालिबान ज्वाइन कर लेना चाहिए और तालिबान का मेंबर बन के ट्विटर पे आना चाहिए तो ट्विटर अलाउ भी कर देगा। और देखिए बात में पॉइंट है मुझे भी अपने शो को तालिबान एसोसिएटेड चैनल डिक्लेयर कर देना चाहिए, मुझे भी एक बहुत भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करनी चाहिए और हो सकता है कि जो लेफ्ट वाले लोग हैं ये मेरे शो को भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दे और मेरा शो भी यूट्यूब की नजरों से थोड़ा बच जाए। और अक्सर बहुत लोग बोलते हैं ना यार कि यार ये तो कंस्पिरेसी थ्योरी है, संघियों ने कंस्पिरेसी थ्योरी बना रखी है कि भैया बिग टेक कंपनीज और सोशल मीडिया कंपनीज इनको टारगेट कर रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। आप इंडिया को छोड़िए, संघियों को छोड़िए, ठीक है संघी तो बड़े खराब हैं। आप अमेरिका को देख लीजिए। अमेरिका में एक प्यू पोल किया गया था, प्यू सर्वे किया गया था जिसमें कि 75% अमेरिकन एडल्ट्स ने कहा था कि सोशल मीडिया कंपनीज जो है वो पॉलिटिकल व्यूज को सेंसर करती है। 67% अमेरिकन ने कहा था कि उनको सोशल मीडिया कंपनीज में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से पॉलिटिकल व्यूज को सेंसर कर सकती हैं। और आयरनी की एक और बात ये देखिए कि चाइना जैसे देशों में सारे बिग टेक कंपनीज को सेंसर किया जाता है लेकिन यही बिग टेक कंपनीज इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक देशों में आके चौड़े होते रहते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है ना यार कि हम इससे डील कैसे करें, इससे लड़े कैसे। अब देखिए सोशल मीडिया कंपनीज को बैन कर देना ये तो कोई जवाब नहीं होता ना, क्योंकि यही सोशल मीडिया कंपनीज हैं जिन्होंने 2010 के बाद से नॉन लेफ्ट को बढ़ने में, स्ट्रॉन्ग होने में बहुत मदद भी की है। इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से नॉन लेफ्ट जो है और जो हिंदुत्व मूवमेंट है वो इतना बड़ा हो पाया है, इतना स्ट्रॉन्ग हो पाया है। मोदी की जीत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन लेने की जरूरत तो है ना। कुछ फ्री मार्केट वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कह रहे भाई अगर तुम्हें एक सोशल मीडिया कंपनी नहीं पसंद है, अगर तुमको लगता है वहां पर तुम्हारी सेंसरशिप हो रही है तो छोड़ दो, किसी दूसरे कंपनी को ज्वाइन कर लो या फिर अपने खुद की कंपनी क्रिएट कर लो। अब ये आर्ग्यूमेंट तो अच्छा है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिस में ये काम नहीं करता, क्योंकि एक पार्लर नाम का एक एप्लीकेशन है जो कि एक नॉन लेफ्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब आप देखिए कि अमेरिका में जनवरी 6 को जो हिंसा हुई थी उसके बाद तुरंत सारे बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने पार्लर को अपने ऐप स्टोर से लात मार के बाहर निकाल दिया था और फाइनली पार्लर को उन्होंने वापस डाला भी, लेकिन धमकी के साथ डाला कि बेटा अगर हमारे नैरेटिव से जरा भी यहाँ वहाँ हुए तो फिर से लात मार के बाहर निकालेंगे। और इंडिया में कोर्ट्स के पास भी अगर सब लोकतंत्र चैनल वाले लोग जाना चाहें तो कोर्ट्स भी देखिए इस तरह की चीजों से कैसे डील करते हैं। एक आदमी जिसने कोर्ट से अपील किया था कि मेरे साथ आर्बिट्रेरी सेंसरशिप हो रही है, सोशल मीडिया कंपनीज आर्बिट्रेरी सेंसरशिप कर रही हैं, उनको तो कोर्ट्स ने बोल दिया कि भाई हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। यही तो कमाल है हमारे मिलॉर्ड्स का, हमारे मिलॉर्ड्स को कुछ पता ही नहीं है सोशल मीडिया कंपनीज कैसे काम करती है। उनसे अगर आप पूछेगा कि टिकटॉक है क्या तो उनको लगेगा कि एक तरह की चिड़िया है। इन लोगों को सोशल मीडिया कंपनीज है क्या, कैसे काम करती है कुछ समझ ही में नहीं आता, तो ये इसके ऊपर डिलिबरेट कैसे कर पाएंगे ठीक से। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो गवर्नमेंट्स को कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है। पहली बात, जो गवर्नमेंट ने आईटी रूल्स निकाले हैं इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, इसमें कुछ अच्छे कानून हैं, लेकिन आई थिंक कि और भी एक्शन लेने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर आप पोलैंड का एग्जांपल देखिए तो पोलैंड ने एक्चुअली एक कानून प्रपोज किया है जिस कानून से एक फ्रीडम ऑफ स्पीच काउंसिल क्रिएट होगा जो ये गारंटी करेगा कि किसी भी पोलिश सिटीजन को आर्बिट्रेरीली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लात मार के बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये कानून ये कहता है कि जब तक किसी भी सोशल मीडिया यूजर का पोस्ट किसी पोलिश कानून का उल्लंघन नहीं करता तब तक सोशल मीडिया कंपनी उस पोस्ट को डिलीट नहीं कर सकती और उस सोशल मीडिया यूजर को नहीं निकाल सकती। लेकिन अगर सोशल मीडिया कंपनी ऐसा करती है तो उस सोशल मीडिया यूजर के पास ये अधिकार है कि वो ऑनलाइन जाए। ये सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, कोर्ट में केस फाइल करे, कोर्ट जो है 7 दिन के अंदर रूलिंग देगा कि भाई सोशल मीडिया कंपनी सही है या यूजर सही है। और अगर यूजर सही निकलता है तो सोशल मीडिया कंपनी को वापस यूजर को लेना पड़ेगा और एक भारी फी भी देनी पड़ेगी। इसी तरह के कानून हाल में ही अमेरिका में भी नॉर्थ डकोटा स्टेट ने पास किया है और फ्लोरिडा में भी इस तरह के कानून पास करने की हाल में ही कोशिश की गई है। तो मैं मानता हूँ कि इंडिया को भी एक इस तरह का डी प्लेटफॉर्मिंग कानून निकालने की जरूरत है जो कि बिग टेक के आर्बिट्रेरी सेंसरशिप के खिलाफ नॉर्मल सिविलियंस की प्रोटेक्शन करेगा। दूसरी बात जो हम सब लोग कर सकते हैं वो है कि जिन कंटेंट क्रिएटर्स को आप पसंद करते हैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए, उनका पेट्रियन ज्वाइन कीजिए, उनके यूट्यूब पर मेंबर बनिए, उनको यूपीआई से पेमेंट भेजिए, लेकिन उनको एक ऐसे मकाम पर पहुंचाइए कि अगर कल को उनका यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाता है, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो जाता है, उनको ट्विटर से निकाल दिया जाता है तो उनकी लाइवलीहुड खतरे में नहीं पड़ती है। अगर आप मान लीजिए पेमेंट से उनकी मदद नहीं कर सकते तो दूसरी चीजें ऑफर करके उनको सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक एडिटर हैं तो एडिटिंग से मदद करने की कोशिश कीजिए, अगर आप राइटर हैं या रिसर्चर हैं तो रिसर्च से मदद करने की कोशिश कीजिए, अगर आप एक थंबनेल मेकर हैं तो थंबनेल बनाने में उनकी मदद कीजिए, अगर आप एक प्रोग्रामर हैं या वेब डिजाइनर हैं तो वेबसाइट बनाने में उनकी मदद कीजिए। लेकिन इन क्रिएटर्स को जिनको आप पसंद करते हैं उनको इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल बनाना बहुत जरूरी है, स्पेशली फाइनेंशियली। और फाइनली आई थिंक YouTube पे भी जो कमेंटेटर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको भी ये सोचना पड़ेगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि यार अब YouTube पर डिपेंडेंस को थोड़ा कम करने का समय आ गया है। या तो हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा या फिर एक अपना खुद का एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना पड़ेगा जहां पर हम बिना डर के बिल्कुल फ्री होके अपना कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। जो हमारे फैंस हैं, जो लोग हमको पसंद करते हैं, जो लोग हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो उस प्लेटफॉर्म पर आकर कोई एक मंथली अमाउंट देकर सब्सक्राइब करें और हमारा कंटेंट बिना किसी एड के, बिना किसी सेंसरशिप के पूरी तरह से आजादी से देख सके। हो सकता है इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म डेवलप करने का टाइम आ गया है। अगर आपके पास कुछ आइडियाज हैं किस तरह से हम इस बिग टेक सेंसरशिप से लड़ सकते हैं, किस तरह से कंटेंट क्रिएटर्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और मैं फिर से कह रहा हूं, प्लीज डिस्क्रिप्शन में सब लोकतंत्र के नए चैनल के डिटेल्स दिए हुए हैं, प्लीज जाकर उनको सपोर्ट कीजिए और उनके चैनल को बढ़ने में मदद कीजिए। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दीजिए, थम्स अप दीजिए, सपोर्ट कीजिए शाम शर्मा शो को, यूट्यूब पर मेंबर बनिए, पेट्रियन पर मेंबर बनिए, हम सबको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में सपोर्ट कीजिए। तब तक मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।